नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में सीखने की शुरुआत कैसे करें, यानी कंपनी को जानने के बारे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या जानते हैं कि शेयर में निवेश करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर नहीं तो आइए आज जानते हैं कि कौन सी 8 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इन 8 तकनीकों पर ध्यान देने से आपका नुकसान कम और फायदा ज़्यादा होगा। तो चलिए जानते हैं पहली तकनीक। कोई भी व्यापार अगर हर साल अपनी बिक्री में बढ़ोतरी करता है तो वह व्यापार आपको मुनाफा ही देगा, यानी सेल्स में बढ़त। दूसरी तकनीक, अगर हर साल अपना खर्चा बाद देकर अगर कंपनी मुनाफा कमाती है तो वह कंपनी आपको निवेश करने पर मुनाफा ही देगी, यानी प्रॉफिट में बढ़त। तीसरी तकनीक, कोई भी कंपनी अगर कम ब्याज में अपना व्यापार चलाती है या फिर बिना ब्याज के उन्नति करती है तो वैसी कंपनियां आपको निवेश करने पर मुनाफा ही देगी, यानी उस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। चौथी तकनीक, किसी भी कंपनी के लिए मुनाफे से खर्चा बाद देने के बाद पैसे बचते हैं, इसलिए जो कंपनियां ज़्यादा पैसे बचा पाती हैं वो भविष्य में भी अपने व्यापार को अच्छे से चला पाएगी, यानी कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए और धीरे धीरे वो भी बढ़ना चाहिए। पांचवी तकनीक, खरीद और बिक्री का पैसा कंपनी के पास कितने दिनों में आ रहा है यह भी एक ध्यान देने वाली बात है। इसलिए अगर पैसे चुकाने में या बिक्री के पैसे आने में अगर कंपनी को दिक्कत होती है तो यह भी एक बड़ी तकलीफ देह बात है एक व्यापार के लिए। इसलिए ऐसा व्यापार आपको मुनाफा नहीं दे सकता, यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल जितने कम दिनों की होगी वह व्यापार उतनी उन्नति करेगा। छठी तकनीक, अगर व्यापार मुनाफा कमा रहा है और बिक्री के पैसे भी समय पर मिल रहे हैं और ब्याज भी ज़्यादा नहीं है तो यह देखना ज़रूरी है कि कंपनी अपने शेयर धारकों को कोई डिविडेंड देती भी है या नहीं। अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वह कंपनी अच्छी है, क्योंकि वह कंपनी मुनाफे से डिविडेंड देती है आपको। अब आते हैं सातवीं तकनीक पर। अब बारी आती है यह जानने की कि कंपनी कहीं ज़्यादा महंगी तो नहीं है। ये पता चलता है कंपनी के प्राइस टू इक्विटी रेशियो से। अगर यह रेशियो उस तरह के बाकी व्यापार के मुकाबले कम है तो कंपनी निवेश करने लायक है, ऐसी कंपनियां आपको मुनाफा देगी, यानी इस कंपनी के प्राइस टू इक्विटी रेशियो बाकी सारी कंपनी जो इस इंडस्ट्री में है उससे कम होनी चाहिए, तब ये कंपनी आपको मुनाफा देगी। आखिर में हमें ध्यान रखना चाहिए कि शेयर धारक कौन कौन हैं, यानी कंपनी के प्रमोटर कितने फीसदी हैं और ये कंपनी के शेयर बेच रहे हैं या इस कंपनी में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। अगर ये लोग अपना निवेश बढ़ा रहे हैं तो ऐसी कंपनी में निवेश करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि FII, DII, प्रमोटर्स सब उसी समय कंपनियों में निवेश करते हैं जब उनको अपनी कंपनियों का फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमें ये ज़रूर बताएं, लिख भेजें कि आप और कौन कौन से वीडियो हमसे देखना चाहेंगे। थैंक यू।